Remember, कि आपको याद है, when the ministry began in this age, जब सेवकाई आरंभ हुई इस युग में, how did it began? ये चालू कैसे हुई? When the prophet went to Greensmill, जब भाई ब्रैनम जो नबी हैं, वो ग्रीन्समिल इंडियाना में गए, and what happened? और क्या हुआ? An angel came, एक दूत आया, and that angel started his commission, और दूत ने उनकी ठहराई भी सेवकाई बताई. And started telling him, और उनको बताना शुरू किया, you are to pray for the sick. तुम्हें बीमारों के लिए दुआ करनी है. And as Moses was given two signs, और जैसे मूसा को दो चिन्ह दिए गए, you are also given two signs. तुम्हें भी दो चिन्ह दिए जाते हैं. And he started explaining his ministry. और वो उनकी सेवकाई को समझाने लगे. Is that the message? क्या ये संदेश है? That angel came, वो दूत आया, and gave him his commission. और आकर के भाई ब्रैनम को उनकी सेवकाई बताई. Then later on, फिर बाद में, that commission was to go a little further. उस सेवकाई को थोड़ा आगे बढ़ना था. अब मैं पूछना चाहूंगा, चलिए मैं बात हिंदी में रखता हूं. उस दूत ने आके गुफा में भाई ब्रैनम को सेवकाई दी, क्या यह सेवकाई ओरल रॉबर्ट्स को दी? नहीं. क्या यह सेवकाई किसी और को दी? सर, दूत ने सेवकाई भाई विलियम ब्रैनम को दी. आमीन. लेकिन कुछ कहलाने वाले थे वहां जिन्होंने उस सेवकाई की नकल कर ली. हाँ जी. और वो भी उस सेवकाई के हिस्सेदार और दावेदार बन बैठे. क्या हुआ था ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही हुआ ब्रदर. मैं अगर आपकी जोर की आमीन सुनूं तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा. सच्चाई है आपकी, यही हुआ ब्रदर. अब ध्यान से सुनिए क्या होता है. दे बिकेम पार्टेकर्स ऑफ दैट मिनिस्ट्री. वो हिस्सेदार बन गए उस सेवकाई के. Then the angel told Brother Branham, तब दूत ने आके भाई ब्रैनम से कहा, in a tent vision, एक तंबू के दर्शन में, I told you not to explain it, मैंने तुमको कहा था कि इसको समझाना मत. What has it started? इसने क्या चालू किया? Carnal impersonations, शारीरिक नकले. But don't worry, लेकिन चिंता मत करना. Though your line is all tangled up, यद भी तुम्हारी डोर तमाम उलझी हुई है, but I'll help you out, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा. I'm going to give you another pull, मैं तुम्हें एक और खिंचाव दूंगा. I'm going to give you another part of your ministry, तुम्हारी सेवकाई का एक और हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा. It will be your new ministry, वो तुम्हारी नई सेवकाई होगी. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? Now understand it. अब इसको समझिए. Oh church, कलीसिया, that same angel, वही दूत, which came in Greensmill, जो Greensmill में आया, and gave him his commission, और आकर के नबी को उनकी ठहराई हुई सेवकाई दी. Where did you receive it from? Sorry? Where did you receive that commission from? उन्होंने इस सेवकाई को कहां से प्राप्त किया? From the hands of an angel. एक दूत के हाथों से. God gave him. खुदा ने दिया. Through an angel. एक दूत के मार्फत. What the angel said? दूत ने क्या कहा? I will be with you. मैं तेरे साथ साथ रहूंगा. Wherever you go, जहां कहीं तू चाहेगा, माई प्रेजेंस विल नॉट लीव यू, मेरी मौजूदगी तुझे छोड़ेगी नहीं. इज दैट द पार्ट ऑफ द कमीशन? क्या ये सेवकाई का हिस्सा है? आई बी विद यू वेर एवर यू आर, मैं तेरे साथ हूंगा जहां कहीं तू जाएगा. वेन एवर यू एक्सपीरियंस दिस फनी फीलिंग, और जब कभी तुझे ये अजीब सी अनुभूति आए, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमेशा इसको समझ लेना, आई एम नियर समवेयर, मैं कहीं आस पास हूं. गॉड ब्लेस यू माई ब्रदर. वेन थ्री ब्रदर्स केम इन ब्रदर वेन लॉसन हियर, जब भाई वेन लॉसन के साथ यहाँ तीन भाई आए, one of those brothers who in the time of brother William Branham gave a testimony, उनमें से एक भाई जो कि भाई विलियम ब्रैनम के समय था, उन्होंने आके गवाही दी. He said, I was sitting there, उन्होंने कहा मैं वहाँ बैठा था, and brother Branham was at the pulpit, और भाई ब्रैनम मंच पे थे, and he was preaching, और वो प्रचार कर रहे थे, and now came the healing line, और अब आई चंगाई की पंक्ति. He says, suddenly something happened to me. उन्होंने कहा अचानक से कुछ मेरे साथ हुआ. I just felt like weeping and shouting and praising God. मैंने महसूस किया कि मैं जोर से चिल्लाऊं, रोऊं और खुदा का धन्यवाद करूं. Immediately he said, brother Branham turned to me. उन्होंने कहा तुरंत भाई ब्रैनम मेरी ओर मुखातिब हुए. He said, brother, and he called his name. और उन्होंने भाई का नाम लिया. He said, you know, brother. उन्होंने कहा आप जानते हैं भाई. I always talked about that angel. मैं हमेशा उस दूत के बारे में बात करता था. And you heard it? और आपने इसके बारे में सुना? He's just near you right now. ठीक इसी समय आपके पास हैं. That's why you're having this feeling. इसलिए आपको यह अनुभूति हो रही है. That's why you feel like shouting and praising. इसलिए आप महसूस कर रहे हैं चिल्लाना कूदना.
You have that feeling in your heart. आपके अंदर वो आपके हृदय में वो अनुभूति है. You call it anointing. आप इसे अभिषेक कहते हैं. I call it angel. मैं इसको दूत कहता हूँ. This is not just an anointing. ये केवल एक अभिषेक नहीं है. This anointing is an angel. ये अभिषेक वो दूत है. Which comes upon a believer. जो कि विश्वासी के ऊपर आता है. Oh brother. ओ मेरे भाई. These seven angels. ये सात दूत. Came as an anointing. एक अभिषेक के रूप में आए. Oh brother William Branham. भाई ब्रैनम के ऊपर. No, sit down, please. अब कृपया बैठ जाइए.